वेलकम बैक। तो गाइस, जैसे कि हम लोग प्रीवियस वीडियो में अपना ये फॉर्म डिज़ाइन कंप्लीट किए हैं और टेस्ट किए थे कि ये डेटा पोस्ट हो रहा है कि नहीं, ओके तो यहाँ तक हम लोग ने कंप्लीट कर लिया है, राइट। तो गाइस, अभी हमें क्या करना है, मेल सेंड करना है इस फॉर्म से। तो उसके लिए क्या करना है, हमें पहले PHP मेलर पे जाना पड़ेगा। तो लेट्स स्टार्ट विथ PHP मेलर। तो गाइस, चलिए सर्च करते हैं PHP मेलर करके, हिट करिए तो आपको फर्स्ट लिंक में ही मिल जा रहा है PHP मेलर। तो यहाँ पे क्लिक किया मैंने PHP मेलर पे, आपको github का .com वाला PHP मेलर का लिंक मिलेगा, वहाँ पे आप ओपन करना है। तो गाइस, इसमें दो मेथड हैं, या तो आप इस फाइल को पूरा डाउनलोड कर लीजिए वेंडर वाला गेट, या तो कोड वोड पूरा मिल रहा है यहाँ पे, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि आप कंपोज़र के ज़रिए ही इंस्टॉल करिए इसको। तो गाइस, मेक श्योर आपके पास कंपोज़र ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे देखते हो आप, इंस्टॉलेशन एंड लोडिंग का प्रोसेस जो है, तो या तो ये मेथड है, ये ऐसे लगा के आप कंपोज़र को अपडेट कर लीजिए, नहीं तो ये फॉर्मेट से आप इंस्टॉल कर लीजिए, राइट। तो गाइस, हमारे VS कोड पे चलते हैं और यहाँ पे आपको दिखाते हैं, राइट, आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे मैंने कंट्रोल प्लस टिल्ड बटन प्रेस किया, जैसे आपको तो जैसे आपको चेक करना है कंपोज़र है कि नहीं, तो आप यहाँ पे अपना कंपोज़र चेक कर सकते हो। कंपोज़र -v एंटर करिए और आपको कुछ रिजल्ट मिलेंगे, डन। तो मेरा कंपोज़र वर्जन ये है करके दिखा रहा है, क्योंकि मैंने कंपोज़र इंस्टॉल करके रखा है इसीलिए, ओके। तो गाइस, अगर नहीं इंस्टॉल है आपके पास, तो आप जाइए गूगल क्रोम पे, कंपोज़र डाउनलोड करिए, वहाँ पे आपको फर्स्ट लिंक पे getcomposer.org पे क्लिक करना है, और सेकंड पैरा में आप देख सकते हो डाउनलोड एंड रन दिस composer.txt फाइल। तो यहाँ पे क्लिक करके नेक्स्ट 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 करके इंस्टॉल कर लीजिए, डन। तो जैसे इंस्टॉल हो गया आपको, तो यहाँ पे देख सकते हो आप कि ऐसे वर्जन्स दिखाना शुरू हो जाएगा। अगर आपने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा है, देन लेट्स कंटिन्यू। तो गाइस, यहाँ पे हम लोग इसको कॉपी करते हैं अपना PHP मेलर। तो यहाँ पे कॉपी किया और वापस VS कोड पे गया, अपने एडिटर पे पेस्ट किया Ctrl+V मार के, फिर इसको एंटर करते हैं। मैं इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ और एंटर करता हूँ, तो हमारा पैकेज इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट होने लग शुरू हो जाता है। तो गाइस, जस्ट वेट करते हैं थोड़ी देर, ओके। तो यहाँ पे देखिए, ऑटोमेटिकली एक composer.json फाइल बन चुका है और इसका डिपेंडेंसी सभी पैकेज आना है। सी गाइस, तो अपना ये डाउनलोड हो रहा है एंड इंस्टॉलिंग PHP मेलर भी चल रहा है। तो यहाँ पे ऑटो जनरेटेड फाइल्स, ठीक है, तो सब सही से हो गया है। तो अपना JSON लॉग फाइल एंड वेंडर फोल्डर भी आ चुके हैं, डन। तो इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ एंड अपना कोडिंग स्टार्ट कर लेते हैं एज पर द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ PHP मेलर। तो यहाँ पे चलिए, तो यहाँ पे इसको सब इग्नोर करिए और नीचे आते हैं अपना सैम्पल एग्जाम्पल के साथ। तो वैसे यहाँ PHP स्टार्ट हो रहा है, हमारा ऑलरेडी स्टार्टेड है, तो हम लोग इसको यूज़ करते हैं यहाँ पे। तो राइट क्लिक करिए और इसको कॉपी करिए एंड पेस्ट, दैट्स इट। यहाँ पे नहीं पेस्ट करके हम लोग ऊपर पेस्ट करेंगे, इफ कंडीशन में नहीं, ऊपर पेस्ट करिए, क्योंकि उसे फेच करना है। तो मेक श्योर आपके रूट डायरेक्टरी में रहे ये वेंडर फोल्डर, ठीक है। तो गाइस, नाउ चलते हैं वापस यहाँ पे। जैसे आप देख सकते हो इनिशियलाइजेशन, इसको कॉपी करिए और वापस यहाँ पे पेस्ट करिए, फिर जो ये बाकी है सभी इसको कॉपी कर लीजिए सेंड तक, राइट क्लिक कॉपी, और इसके नीचे हमने पेस्ट कर दिया, सही है। तो इसमें कुछ ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का है, आराम से इसको सॉल्व कर लेने का है बस। तो गाइस, यहाँ पे हम लोग ये करेंगे कि ये अपना मेलर का स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे लिख देते हैं मेलर स्टार्टिंग, कि कन्फ्यूजन ना रहे करके। तो जैसे ये हो रहा है एंड यहाँ पे इसको क्या करते हैं, ये हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसको हम कमेंट कर लेते हैं राइट नाउ, और इसका कुछ हम लोग ऊपर नीचे सेटअप कर देते हैं, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही कन्फ्यूजन दिख रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, इस लाइन को
मैं इसको कट किया और इसके बाद पेस्ट कर दिया, यहाँ पे पेस्ट हो गया और ये होस्ट हो गया, यूज़र नेम पासवर्ड, फिर ये आके इसको थोड़ा और सेपरेट कर लिया। और ये जो बाकी का है इन भाई साहब लोगों को कमेंट करके छोड़ दीजिए, सिंपल। और ये अटैचमेंट हमें नहीं सेंड करना है अभी, तो इसको भी कमेंट करके इग्नोर, राइट। और यहाँ पे ये हमारा HTML का जो है सब्जेक्ट बॉडी और ऑल्ट बॉडी, ये ऑल्ट बॉडी नहीं चाहिए, इसको भी कमेंट कर दीजिए, सिंपल। और ये आपको चाहिए तो ये आप रखिए, नहीं तो रिमूव एंड थ्रो इट, राइट। तो गाइस फर्स्ट स्टेप हमें यहाँ पे कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे smtp example@.com लिखा है, तो यहाँ पे जीमेल के लिए smtp.gmail.com, क्योंकि ये हमारा सर्वर लोकल वाला है। अगर आप कोई डोमेन यूज़ करते हो अगर cPanel पे, तो यहाँ पे आपके यहाँ पर vps.domainname.com आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपना जिस हिसाब से चलेगा, नहीं तो जिसका लोकल होस्ट है तो लोकल होस्ट लगा लेते हैं, उस हिसाब से कंटेंट चेंज होते रहते हैं, राइट। तो अगर आपका जो भी होस्टिंग प्रोवाइडर है, आस्क देम द होस्ट नेम, दे विल प्रोवाइड यू, ठीक है। तो यहाँ पे ये रख दिए और मैंने एक ईमेल आईडी क्रिएट किया है फॉर टेस्टिंग पर्पस। तो यहाँ पे लगाते हैं digiwebnex@gmail.com और यहाँ पे उसका पासवर्ड रहेगा जो कि स्टार 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 अभी लगा के रख देते हैं, टेस्टिंग टाइम पे इसके अपना एग्जीक्यूट कर लेंगे। तो यहाँ पे जैसे आप मेंशन कर सकते हो योर पासवर्ड, डन। तो नाउ ये जो आके ये हमारा TLS वाला है, आपको ऐसे रखना है तो ऐसे रखिए। अगर आप SSL एडेड है तो आपको यहाँ पे ऐड करना है SSL और TLS, राइट। तो इसको आप सिंगल कोट में ऐसे लगाना पड़ेगा। और यहाँ पर आपको मिलेगा SSL के लिए 465 रहता है और यहाँ पे रहेगा 587 TLS के लिए। तो आपके सर्वर के डोमेन के लोकल होस्ट के हिसाब से SSL का लिए आपको इंटीग्रेट कर लेना। आप या तो ये रखिए डायरेक्टली और एल्स TLS रख सकते हो। तो ये डिफ़ॉल्टली आपको ऐसा TLS ही सेट रहता है, तो इसका टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको इग्नोर करके TLS कंटिन्यू कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप सेट फ्रॉम, तो मतलब कहाँ से ये जा रहा है, तो मतलब फ्रॉम से जाएगा, फ्रॉम मतलब हमारे डोमेन से। तो योर डोमेन नेम डॉट कॉम, तो मेरा डोमेन नेम तो यही रहेगा digiwebnex, तो digiwebnex@gmail.com टू, ये मेरा कंपनी का नाम हो गया, समझ लीजिए digiwebnex करके कंपनी बना लिए हैं। तो ये हमारा कंपनी से जाएगा ये मेल टू एड एड्रेस, एड एड्रेस मतलब टू एड्रेस जिसको सेंड करना है। तो एक काम करते हैं, इसको एक वेरिएबल में रख लेते हैं $TO2email ID, ठीक है। तो ये फ्रॉम ईमेल आईडी हो गया और ये टू ईमेल आईडी हो गया। अगर आपको कन्फ्यूजन लग रहा है तो इट्स सिंपल वे में है, इसको हम कहीं स्टोर कर लेते हैं $From ईमेल लगा लेते हैं और इसको हम लोग स्टार्टिंग में स्टोर कर लेते हैं $From_email=digiwebnex.com। ये हो गया फ्रॉम और इसका नाम हो गया name=, जो रहेगा digiwebnex, दैट्स इट। ये नेम हो गया, या आप इसको कंपनी नेम भी बोल सकते हो, जैसे भी सेट करना है आपको। तो इस हिसाब से यहाँ पे फेच हो जाएगा, लगा दीजिए, डन। और ये रहा यूज़र नेम, तो यूज़र नेम क्या रखना है हमें, $Full Name, जो कि आप ले रहे हो यहाँ से फुल नेम $Post of Full Name, तो फुल नेम यहीं से आ रहा है आपके फॉर्म से। तो ये रहा अपना फॉर्म, सिंपल फॉर्म, तो ये फॉर्म से ही हम लोग ले रहे हैं, राइट।
तो गाइस वो फुल नेम कॉपी की है। अब उसके बाद कंटिन्यू करते हैं यहाँ नीचे तक, कहाँ गया, ओके तो यहाँ पे अपना फुल नेम आ गया, टू एड्रेस, और बाकी रहा सब्जेक्ट और बॉडी। तो सब्जेक्ट और बॉडी के लिए हमें कुछ डिज़ाइन करना है। तो गाइस सब्जेक्ट अपना तो ऑलरेडी है यहाँ पे, इसको कॉपी करिए वेरिएबल को और पेस्ट करिए इस सब्जेक्ट को यहाँ पे, डन। और अगर आप टेक्स्ट में ही चाहते हो, सिर्फ टेक्स्ट में चाहते हो, तो आप ये वाला यूज़ कर सकते हो। जैसे कि अभी ये आपका फॉर्म जो है, मतलब ये सिर्फ टेक्स्ट आप चाहते हो, बाकी और कुछ नहीं, HTML में नहीं, लेकिन मुझे HTML में भी चाहिए, तो उसके लिए थोड़ा सा काम करना पड़ेगा इस पर। तो ये वाला बॉडी टैग हमें इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर जैसे कि यहीं पर चलते हैं अपने स्टार्टिंग पे ही, इसके नीचे हम लोग लगाते हैं डॉलर बी ओ डी वाई बॉडी इज इक्वल टू सिंगल कोट्स में ओपन क्लोज कर लेते हैं सेमी कोलन। तो यहाँ पर लिखते हैं हम लोग एक सिंपल सा DIV। चलिए अपना एक टेम्पलेट बना लेते हैं छोटा सा, ओप्स इसे क्या हो गया, ओके लेट्स मिनिमाइज। यहाँ पर लिखा क्लास इज इक्वल टू, क्लास नहीं लिखना है, स्टाइल लिखना है, क्योंकि यहाँ पे ये मेल पे जाएगा तो इसीलिए काम नहीं करेगा वहाँ पे क्लास बूटस्ट्रैप का। तो पैडिंग यहाँ पे लिख दिया 16 पिक्सल, सेमी कोलन लगाया, बैकग्राउंड कलर लगाया हैश DDD सेमी कोलन। यहाँ पे मेक श्योर आप करेक्ट स्पेलिंग लिखे हो। फिर उसके बाद एक H4 टैग लगाते हैं और यहाँ पर लिखते हैं नेम स्पेस सेमी कोलन, काम करते हैं इसको लिखते हैं फुल नेम, फुल नेम स्पेस, स्पेस देने के बाद आपको सिंगल कोट्स में फिर से डबल कोट लगा के आपको डॉलर फुल नेम करके वेरिएबल कॉल कर लेना है, राइट, जो आप यहाँ पे स्टोर किया हो। बस कॉपी पेस्ट सेम थिंग 4 times और यहाँ पे लिख दीजिए ईमेल आईडी और ये रहा मोबाइल नंबर और फाइनल वाला सब्जेक्ट और एक और फाइनल वाला मैसेज। तो यहाँ पे सभी आप कॉपी करके स्टोर कर देते हैं, कॉपी पेस्ट, इसको भी कॉपी किया मोबाइल को और यहाँ पे पेस्ट किया और ये रहा ईमेल भी, ईमेल भी कॉपी कर पेस्ट कर लिया। तो ये अपना बॉडी का स्ट्रक्चर भी बन गया, ठीक है। तो ये हम लोग HTML टेम्पलेट भी बोलते हैं या तो ईमेल टेम्पलेट भी बोलते हैं, हाउ टू बिल्ड एन ईमेल टेम्पलेट। तो यहाँ पे ऐसे ही आपको सेट करना है। तो वैसे इसको कॉपी किया एंड उसी को ही मैं उठा के यहाँ पे पेस्ट कर दिया। देखिए अब इसको निकाल देता हूँ और इसके यहाँ सेट कर लिया, डन। तो जैसे ही अगर मैसेज जाता है इसको कंडीशन लगा दीजिए, इफ़ ये जो ऊपर वाला मेल है अगर सही हुआ है, ठीक है, तो इसके अंदर जाएगा, एल्स बोलेगा नहीं सही है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं एको मेल सेंट, अरे यार ओके, यहाँ पे लिखिए मेल नॉट सेंट, ठीक है, मेल नॉट सेंट लिखते हैं। ये सेमी कोलन, ये सेमी कोलन लगाना है, यहाँ पे कोलन लग गया है, सेव। तो गाइस अभी हम लोग टेस्ट करते हैं, तो उससे पहले आप पासवर्ड चेंज कर लीजिएगा, डन। तो गाइस मैंने पासवर्ड चेंज कर लिया है एंड अभी चलते हैं अपना यहाँ मेलर पे। तो गाइस यहाँ पे क्लिक किया मैंने और इसको लोड करते हैं। अब लोड करने के बाद अपना डेटा सेंड करते हैं पहले। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि वेद, और एक और चीज़ इसमें, आप जब ये PHP मेलर यूज़ करते हैं तो आपको मेक श्योर ये चीज़ें आप ऑथराइज कर चुके हैं। जैसे कि मैं अभी जीमेल लॉगिन करके आपको दिखाता हूँ कि क्या करना है। यहाँ पे एक स्टेप रहता है कि जो कि उसको कॉन्फिगर करना पड़ता है आपको, तभी वो चलेगा। लेट्स लोड दिस,
यहाँ पे डीजी वेब नेक्स्ट चूज़ किया मैंने अपना मेल पे। लोडिंग हो गया। तो गाइस ये रहा हमारा मेल वाला। एंड यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो कि अकाउंट है, अकाउंट पे क्लिक करिए। जैसे अकाउंट पे क्लिक करेंगे हम नेक्स्ट टैब में जाएंगे, नेक्स्ट टैब में। तो नेक्स्ट टैब में आइए और यहाँ पे आप सिक्योरिटी में आना है। तो यहाँ पे क्लिक करता हूँ सिक्योरिटी पे। सिक्योरिटी पे क्लिक करते ही आपको स्क्रॉल करते आना है और चेक करना है कि आपका लेस सिक्योर ऐप ऑन है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए क्लिक करिए और यहाँ पे ऑन रखना है, यहाँ पे अलाउ करके रखना है, डन। तो ये सेट अगर ये ऑन है तो आपका मेल परफेक्टली जाएगा। तो वैसे यहाँ पे वेद प्रकाश लिख दिया मैंने और यहाँ पे वेद प्रकाश 15 1994@gmail.com, मोबाइल नंबर जो भी अनवांटेड नंबर डाल दीजिए, फिर सब्जेक्ट टेस्टिंग, ठीक है। यहाँ पे दिस इज़ अ मैसेज फॉर टेस्टिंग, डन। तो यहाँ पे सेंड करता हूँ, सेंड किया अनडिफाइंड वेरिएबल टू ईमेल। यहाँ कहाँ पे मिस्टेक हुआ है, वेरिएबल टू ईमेल, ये टू ईमेल कहीं पे क्रिएट हुआ है, नहीं हुआ है, डायरेक्टली ईमेल है। तो इसको ईमेल को कॉपी करिए और इसको टू ईमेल के वेरिएबल में स्टोर कर लीजिए, राइट। टू अंडरस्कोर ईमेल बनाइए इज इक्वल टू डॉलर ईमेल। ये डॉलर ईमेल मैंने टू ईमेल में स्टोर कर दिया और टू ईमेल वाला जो चीज़ है यहाँ पे सेंड कर दिया, दैट्स इट। तो अभी इसको वापस बैक जाते हैं एंड फिर से इसको रीसेंड करते हैं, डन, क्लिक टू सेंड। अभी देखते हैं, लेट्स सी, यहाँ पे कुड नॉट ऑथेंटिकेट आपको दे रहा है। तो कुड नॉट ऑथेंटिकेट मतलब यही होता है कि पासवर्ड सही नहीं है करके, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक बार चेक कर लेता हूँ इसको भी एंड मैं अपना पासवर्ड एक बार रीसेट करता हूँ यहाँ पे। मैं अभी देखिए यहाँ पे कुछ, तो गाइस मेरा पासवर्ड ही रॉन्ग था, तो अभी अपडेट किया मैंने करेक्टली एंड इसको मैंने टेस्ट किया है। फिर से अब मैं भेजता हूँ सेम ईमेल से एंड यहाँ पे वेद प्रकाशन नाम डाल देता हूँ, वेद प्रकाशन, और सेंड मेल करता हूँ, देखता हूँ अभी क्या होता है। मेल सेंड करके मैसेज आ गया है, तो मतलब ये सक्सेस चल दिया, ये फंक्शन सही चल दिया है। तो गाइस अभी इसको चलते हैं वापस यहाँ पे अपने डिजी वेकनेस पे, यहाँ पे रीलोड किया एक्चुअली मेल सेंड टू समवन मेल आईडी पे, राइट। तो एक बार प्रीवियस चलते हैं, इस मेल आईडी पे मेल गया हुआ है, राइट। तो वो मेल आईडी यहाँ पे तो एक्सेस नहीं हुआ है, लेट मी ओपन दैट मेल आईडी, या तो मैं इसी मेल आईडी पे ही सेंड करता हूँ। तो इसी पे डालते हैं digiwebnex@gmail.com पे ही सेंड करता हूँ मैं, सेंड मेल क्लिक किया एंड यहाँ पे चेक करते हैं वापस, इट शुड सेंड टू दैट मेल, मेल सेंड करके आ गया है ऑप्शन, डन। तो गाइस अभी यहाँ पे रीलोड करिए, देखिए सब्जेक्ट टेस्टिंग फुल नेम, और यहाँ पे ओपन किया तो देखिए गाइस यहाँ पे ऐसे आ चुका है अपना डेटा बॉडी फॉर्मेट में, और यहाँ पे मेल भी आ चुका है कि आया है ऐसे करके, डन। तो यस गाइस, तो हमारा मेल सेंडिंग सक्सेसफुल हो चुका है। एंड बात जो उसका था दूसरे वाले मेल का, फर्स्ट वाला मेल का, इससे पहले वाला जो भेजा था मैंने उसका भी चेक कर लेते हैं। तो सिंपल सा है, वो भी अपना ऑलरेडी सेंड हो चुका है, 100% श्योर अबाउट इट। लेट्स वेट, देखिए गाइस, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेल आया है करके। तो यहाँ पे ओपन किया मैंने इसको, देखिए दो दो बार आ चुका है क्योंकि दो टाइम सेंड हो चुके हैं, इसलिए डन।
सो गाइस अपना मेल का कॉन्फ़िगरेशन फंडा तो सही चल गया, ठीक है। सो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। वंस अगर सही चल दे रहा है, ओके, अगर ये कोड डॉट पी एच पी पे जा रहा है तो मुझे वापस उसी पेज पे जाना है, इसी पेज पे आ जाना है। तो यहाँ पे लिख दीजिए कि सिंपल सा एक छोटा सा फंक्शन है, हेडर फंक्शन, जो कि लोकेशन लगाते हैं और वापस बोलते हैं इंडेक्स डॉट पी एच पी पे चले जाओ करके, डन। और इसमें भी पेस्ट कर दीजिए। और कुछ मैसेज के लिए आप अनदर फॉर्मेट यूज़ कर सकते हो, सेशन, ठीक है। तो डॉलर अंडरस्कोर सेशन, यहाँ पे लिख दीजिए स्टेटस इज इक्वल टू, इस पे बोल दीजिए मेल सेंट सक्सेसफुली। कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए मेल सेंट सक्सेसफुली, मेल फेल्ड करके लिख दीजिए, ठीक है। तो इस स्टेटस को क्या करते हैं हम लोग, ये जो सेशन है इसको, सेशन को आपको स्टार्ट करना पड़ेगा शुरुआत में, session underscore start स्टार्ट फंक्शन। तो सेम थिंग हमें भी यहाँ इंडेक्स पेज में भी आपको स्टार्ट करना है। तो एट टॉप ऑफ द पेज आपको PHP स्टार्ट कर लीजिए, और इसको काटते हैं कंट्रोल एक्स और पेस्ट कर लीजिए, हो गया सेशन स्टार्ट। और उसी सेशन को भी जहाँ चाहे वहाँ आप डिस्प्ले कर सकते हो, राइट। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं इसी कार्ड बॉडी के अंदर। तो वी हैव टू यूज PHP, PHP ओपन, PHP क्लोज, इफ स्टेटमेंट यूज करिए, इस सेट चेक करिए, अगर सेशन है डॉलर अंडरस्कोर सेशन ऑफ STATUS स्टेटस है तो अंदर आना है, ठीक है, ऐसे पूछना है उसको। अगर अंदर आया तो उसे एको करना है, H5 टैग एको लगाइए और यहाँ पे बोलिए H5 H5 में सिंगल कोट डॉलर अंडरस्कोर session सेशन ऑफ स्टेटस TUS, ठीक है, ये स्टेटस हो गया। और जैसे होता है उसको अनसेट कर दीजिए, वापस इसको अनसेट कर देना है, इसी स्टेटस को कॉपी करिए और यहाँ पेस्ट कर दीजिए फिनिश। तो ये हमारा मैसेज का काम हो जाएगा यहाँ पे, राइट। तो वैसे यहाँ पे